हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल ज्ञान की मोती। डियर व्यूवर्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू गेट द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर 14 नेम्ड फ्लोरेंस नाइटिंगल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, देयर लिव्ड अ वुमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगल। एक औरत रहती थी जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगल। शी बिकेम वेरी फेमस एज अ नर्स। वो एक नर्स के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुई। शी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल सो दैट दे गेट बेटर। उन्होंने बीमार लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ किया ताकि वे बेहतर हो सकें। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली। फ्लोरेंस जो थी बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुई थी। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटैली, वेयर शी वॉज बॉर्न ऑन May 12, 1820। शी गॉट हर नेम, उन्हें उनका ये नाम मिला कहाँ से? इटली के फ्लोरेंस शहर, जहाँ वे 12 मई 1820 को पैदा हुई, वहां से उनको ये नाम अपना मिला, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई। शी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर। उन्हें उनके पिता ने घर पर ही पढ़ाया, यानी वो जो थी उनके पिता के द्वारा घर पर ही पढ़ाई गई। शी लर्न्ड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, French languages and studied history and philosophy. She learned, उन्होंने सीखा, क्या सीखा? English, Italian, Latin, German और French भाषाएं, और इतिहास और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। Florence traveled to many countries with her sister and parents. Florence अपनी बहन और माता पिता के साथ बहुत से देशों में घूमी, यानी बहुत से देशों में उन्होंने अपनी माता और बहन, माता पिता और बहन के साथ में यात्राएं की। शी ऑल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ। उन्होंने अपने लिए कई टिप्पणियां भी लिखी थी। बहुत से लोगों को ये शौक होता है अपने बारे में, अपने विषय में अपनी डायरी लिखना, उन्हें भी ये शौक था। वन डे शी रोट, एक दिन उन्होंने लिखा, टुडे God spoke to me, आज ईश्वर ने, यानी भगवान ने मुझसे बात की, and called me to his service, और मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। She made up her mind to do something useful in life. उन्होंने निश्चय किया, made up her mind, उन्होंने निश्चय किया कि वह जीवन में कुछ ऐसा करेंगी जो उपयोगी हो। Florence wanted to help other people. फ्लोरेंस लोगों की मदद करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू बिकम अ नर्स। वह एक परिचारिका बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वॉन्ट हर टू बिकम अ नर्स। लेकिन उनके माता पिता और उनकी बहन नहीं चाहती थी कि वो एक नर्स या परिचारिका बने। Her parents hoped to settle her comfortably by getting her married to a rich man. लेकिन उनके माता पिता क्या आशा रखते थे? To settle her comfortably, कि उन्हें आरामदायक जिंदगी जीने के लिए settle कर दिया जाए, by getting her married to a rich man. उनकी शादी एक अमीर घराने में, यानी अमीर आदमी से शादी करके एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए आशा रखते थे। In those days, ladies from good families did not become nurses. उन दिनों अच्छे घर की महिलाएं नर्स, यानी परिचारिका नहीं बना करती थी। They were paid very little money. उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता था। They got little respect from the society. उन्हें सम्मान भी बहुत कम मिलता था समाज के थ्रू, यानी समाज से उन्हें बहुत कम सम्मान मिलता था। The hospitals in those days were no better.
उन दिनों अस्पताल भी बेहतर नहीं थे। लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू क्लीनलीनेस, साफ सफाई की तरफ भी बहुत कम ध्यान दिया जाता था। द शीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज्ड, बिस्तरों की चादरें कभी भी नहीं बदली जाती थीं। एंड नोबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन, और मरीजों की स्वच्छता पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीस, फ्लोरेंस को इन सब चीजों का कुछ भी बुरा नहीं लगा। शी सीक्रेटली प्लान्ड टू बिकम अ नर्स, उन्होंने गुप्त रूप से नर्स बनने की योजना बनाई। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंडमदर फेल इल, उन्हें पहला अवसर तब मिला जब उनकी दादी माँ बीमार पड़ गई। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, फ्लोरेंस उनके साथ रही और उनकी देखभाल की। ग्रेजुअली शी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ अ विलेज नियर बाय, ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्होंने क्या शुरू किया, उनके पास के एक गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। फ्लोरेंस सून फाउंड दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली एज शी वॉज नॉट ट्रेन्ड। फ्लोरेंस ने जल्द ही महसूस कर लिया कि वह अपना काम सही से नहीं कर पाती थी। क्यों नहीं कर पाती थी? क्योंकि वे प्रशिक्षित नहीं थी, वो ट्रेनिंग नहीं ली थी उन्होंने। सो शी बिगेन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन, इसलिए उन्होंने दवाओं की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। अ फ्यू ईयर्स लेटर शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल, कुछ साल बाद उन्हें जर्मनी जाने का और एक अस्पताल में नर्सिंग सीखने का मौका भी मिला। When she returned to England, she became the superintendent of the organization Care of the Sick in London. जब वे इंग्लैंड से वापस आईं, वे लंदन के एक संगठन जिसका नाम था Care of the Sick, उसकी अधीक्षक बन गईं। She began to train nurses and became quite famous. उन्होंने परिचारिकाओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और बहुत ही फेमस यानी प्रसिद्ध हो गईं। इन 1854 द क्रीमियन वॉर ब्रोक आउट, 1854 में क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगल टू अ प्लेस कॉल्ड सिंटेरी इन तुर्की, सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगल को तुर्की के सिंतारी नामक स्थान पर भेज दिया। शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ अ टीम ऑफ 40 नर्सेज, उन्हें 40 नर्स के एक दल का प्रभारी बना दिया गया, इंचार्ज बना दिया गया। द हॉस्पिटल एट सिंतारी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वॉर, सिंतारी का जो हॉस्पिटल था वो जो युद्ध में सैनिक घायल हुए थे उनसे भरा हुआ था। फ्लोरेंस वर्क्ड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, फ्लोरेंस ने अस्पताल की दशा को सुधारने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत कड़ी मेहनत की। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट अ न्यू किचन, उन्होंने अस्पताल साफ किया और एक नई रसोई बनाई, विच सर्व्ड बेटर फूड, जो बेहतर भोजन परोसती थी। विद हर ओन मनी शी बॉट न्यू शीट्स एंड क्लॉथ्स फॉर द पेशेंट्स, उन्होंने अपने पैसे से, खुद के पैसे से नई चादरें मंगाई और मरीजों के लिए नए कपड़े लेकर आई। शी स्पेंट मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम, वे कई घंटे उनके साथ बिताती थी, बात करते हुए कई घंटे मरीजों के साथ बिताती थी। She tried her best to make them comfortable and happy. उन्होंने पूरी कोशिश की, हर संभव प्रयास किया उन्हें आराम देने के लिए और खुशी देने के लिए। To serve the patients at night, रात में मरीजों की सेवा के लिए
She used to carry a lamp in her hand. रात में मरीजों की सेवा के लिए अपने हाथ में एक लैंप लिया करती थी. This is how she got the name. इस प्रकार उन्हें नाम मिला, यानी उनका नाम पड़ा क्या? The lady with the lamp. Florence worked so hard that she became very ill. फ्लोरेंस ने इतना कठिन परिश्रम किया कि वे खुद बीमार पड़ गईं. But she refused to return to इंग्लैंड. लेकिन उन्होंने इंग्लैंड वापस आने के लिए इनकार कर दिया. In 1860, she started the Nightingale School for Nurses. 1860 में उन्होंने परिचारिकाओं के लिए एक नाइटेंगल विद्यालय शुरू किया. Because of her efforts, nurses gained respect all over the country. उनके भरसक प्रयासों से नर्सों को, यानी परिचारिकाओं को, सारे देश में सम्मान मिला. फ्लोरेंस नाइटिंगल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन. फ्लोरेंस नाइटिंगल की मृत्यु 13 अगस्त 1910 ईस्वी में लंदन में हुई. शी वॉज द वन हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग. एकमात्र फ्लोरेंस नाइटिंगल ही थी जो नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई. So, dear students, this chapter of ours ends here. This is not just a chapter, but also a true tribute to Florence Nightingale, who left a golden age in the pages of history in the field of nursing. Yes, Florence Nightingale, who herself has written her name in the golden letters in the pages of history. This is how this chapter is meant an inspirational story for all of us. Let's call it a day. See you soon in the next video with all the necessary exercises of this chapter. Khoob padhein, khoob padhein. Thank you.